नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ कि जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर का स्थान छठा है। ये ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सरयाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण में को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद करकटी को भीम नाम का पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को दरवाजे के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा ने बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी उपासना करने लगा। जब भीम ने यह देखा, उसने अपनी तलवार में से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गया। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस शिव ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। भीम शंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर मुख्यतः नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली भी देखी जा सकती है। भीमा शंकर मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के से पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यहाँ ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।